आज हम लोग आए हुए हैं एमबी क्लास के मास्टर क्रिएटर के घर में, जिनका नाम है हमारी वेरी अपनी स्वीट अलका मैम। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अलका मैम, वो एक ऐसी टीचर है जिन्होंने शायद कभी व्हाट्सएप भी नहीं खोला होगा, शायद उन्होंने फेसबुक भी नहीं किया है, मगर ऑनलाइन पढ़ाने के मामले में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। बच्चे जस्ट लव्स हर लाइक एनीथिंग। लेट अस सी अलका मैम की इस ट्रांसफॉर्मेशन में किन लोगों का हाथ है। बोलते हैं ना, जब भी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मेरे साथ आप भी एक्सप्लोर कीजिए और मैं भी कुछ नया जानती हूँ। कम, दिस इज आवर हाउस एंड वी आर गेटिंग इन। हाय, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है दैट अलका मैम हैज सीन अ चेंज जहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। टीचर्स को लगता है ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, पर दिस पर्टिकुलर टीचर ऑफ एमबी क्लास एज वी कॉल एज द मास्टर क्रिएटर हैज डन इट ऑल। लेट्स टॉक टू हर एंड फिगर आउट हाउ डिड द चेंज हैपन। एंड हियर शी इज अलका मैम। आपको बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी भी जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी अभी अपने लोकेशन सेंड करना सीखा व्हाट्सएप में। ये जो चेंज आया लॉकडाउन के वजह से दैट बच्चों को जो दिक्कतें आ रही थी ऑनलाइन पढ़ने में, आपने बहुत प्यार से वो चीज़ पढ़ा रहे हो, बट इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर यू। यस, देखिए जब मैंने मेरे को जॉब करते हुए 30 साल हो गए। जब मैंने जॉब शुरू करा था सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक से हमको सब सिखाना रहता है। थोड़े दिन बाद कलर्स आए, बोर्ड आया उसके हाथ में, फिर एकदम इतना चेंज, ये तो बताना बहुत ही मुश्किल था, ये संभालना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस हो गई थी चौक से बनाने की, कलर से बनाने की, फिर एकदम ऑनलाइन वीडियो बनाकर बताना बच्चों को, इट्स वेरी टफ। और जिसने हमने कभी मोबाइल ही नहीं चलाया था, हमारी उम्र में तो मोबाइल था ही नहीं, फिर अभी आए हुए पाँच या दस साल हुए हैं। हाँ। मोबाइल आए हुए। हाँ। उसमें सिर्फ हम सिर्फ बात करना जानते हैं या ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप कर लेते हैं। बिल्कुल। अब ऑनलाइन पढ़ाना इज टू टफ टू मी, पर क्या है कि वो तो सीखना बहुत जरूरी है। आपको क्यों लगा सीखना जरूरी है? देखिए, पहले तो हमको दोनों को बैलेंस करना, पुराने समय के जब हम बहू बनकर आए थे या हम छोटी सी टीचर्स थे उस समय, उन सब बड़े बड़ों को संभालना, उनकी बातें सुनना, उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी हर एक बात मानना, जो गलत है वो भी मानना, क्योंकि वो हमारे से बड़ी टीचर्स हैं। पर फिर धीरे धीरे हम लोग को आया, पर अभी वो एकदम चेंज आया, इसमें हमको बहुत ही परेशानी हुई, पर सीखना तो था ही। और लेकिन आपने क्यों बहुत सारे जो टीचर्स उनको आज भी डिफिकल्टी हो रही है, मगर मेरी जितना आपसे एज ए मास्टर क्रिएटर बात हुई है, आपने कभी ये नहीं बोला मैं नहीं कर पाऊंगी, ये जो कर नहीं पाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये वही लोग कर पा रहे हैं इस वक्त जिनको अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ। देखिए, पढ़ाना बहुत ईजी है, पर एक ड्राइंग एक्टिविटी टीचर होके उस पर सिखाना बहुत टफ था, जो हमको सीखना ही है, वो भी मोबाइल से बच्चों को सबको कनेक्ट करना, जूम क्लासेस करना, और उसमें सब बच्चों को ध्यान देना कि वो सही बना रहा है नहीं, ये सब बहुत सीखना ही पड़ा। हमने सोचा ही था कि हम सीख के रहेंगे, हम ये बता के रहेंगे दुनिया को कि खाली पढ़ा ही नहीं, ड्राइंग या अदर एक्टिविटीज भी हम इससे करा सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स भी हम सिखा सकते हैं, ड्राइंग भी, सिंगिंग भी, खाली पढ़ाई इसमें नहीं है, सब एक्टिविटी टीचर्स भी सब कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने सब ने मेहनत करी है। वो तो है, लेकिन ये जो एक्टिविटीज की बात हम कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, इन सारी चीज़ों से अपार्ट फ्रॉम जस्ट ड्राइंग के थ्रू बच्चे और क्या क्या सीखते हैं? देखिए, ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो अपने सारे इमोशंस प्रकट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को कि हम ये भी कर सकते हैं। मान लो वो बहुत सैड है और दुखी है, और अगर वो ड्राइंग बना रहा है तो थोड़ी देर बाद देखते हैं उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ, और उसके दिमाग में क्रिएशन आएगा कि मैं कैसे क्या बना सकती हूँ। मान लो उसको अपने मदर फादर, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं मदर फादर की, एक दो गोले बना देंगे और नीचे ट्रेंगल बना के मदर फादर बनाएंगे, पर उसमें जो इमोशन है और उसकी जो थिंकिंग है कि मेरे मदर फादर ऐसे रहते हैं, वो आपको दिखाई देगा।
मतलब वो थिंकिंग भी बढ़ती है, क्रिएशन भी बढ़ता है और है ना नॉलेज तो है ही। एब्सोल्युटली, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप में आई फ्रॉम अ वर्ल्ड जहां आपको नहीं पता था ऑनलाइन के बारे में इतना कुछ, एंड सडनली आप यू आर एक्सपोज टू यू नो कि ऑनलाइन में बच्चों को सिखाना है, एक कनेक्शन बिल्डअप करना है, ये इस चीज को करने में घर में क्या आपको मदद मिली? देखिए, ये सिर्फ मेरे को घर में ही हेल्प मिली क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और हम लोग कहीं सीखने जा नहीं सकते थे, सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं आता था, पर मेरे बेटे, मेरी बहू अंकिता और मेरे हस्बैंड सब ने मेरी बहुत हेल्प करी और एक एक चीज़ सिखाई है, एक एक चीज़ की कैसे ऑन करना है, कहाँ जाना है, कहाँ जूम क्लास मिलेगी, कहाँ से आपको कनेक्ट करना है, किसको होस्ट बनाना है तो क्या करना है, ये सब उन्होंने ही सिखाया, हमको थोड़ी ना आता था, पर हाँ सीख गए, सिखा दिया। यू नो जस्ट राइट नाउ वी हैव सीन वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि बेटे, बहू, हस्बैंड, ये सब लोगों ने मिलके एक चेंज की शुरुआत की, एक चेंज जिसको इंडिया काफ़ी दिन तक वेट कर रहा था। तो जब हम बोलते हैं ना कि हमें चेंज चाहिए, उस चेंज के पीछे बैकग्राउंड में बहुत लोग काम करते हैं, जैसे अब अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैम के साथ, आप शायद सिर्फ हम दोनों को देख रहे हो लेकिन इसके बैकग्राउंड में लाइट्स लगा रही, इसके बैकग्राउंड में लोग काम कर रहे हैं, उनको आप नहीं देख पा रहे हो। इसी तरह जब मैम या बाकी जब टीचर्स कुछ अच्छा ऑनलाइन में करते हैं, बैकग्राउंड में कई लोग उनको मदद करते हैं, आज हम उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं, उनको क्या चैलेंजेस आए, क्यों उन्होंने अपनी मम्मा को अपना काम एट टाइम्स साइड में रख के हेल्प किया, व्हाट वाज देयर थिंकिंग प्रोसेस, लेट्स गेट टू दैट। एक बात और बताना चाहूँगी, बिल्कुल एमबी क्लास से मुझे बहुत हेल्प करी, अगर वो मेरे को बोलते, उन्होंने मुझे ऑफर किया तभी मैंने ये सीखने के लिए सोचा ना। So we at MB class is it is for us it is very important कि background में जो लोग काम करते हैं वो उनकी thought process क्या है, ताकि आगे आने वाले लोगों को ये भी पता चले कि जब आप अकेले आगे बढ़ते हो तो सिर्फ आप अकेले आगे नहीं बढ़ते हो, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। Let's take a break and after the break we will get to her whole family किस तरह से उन्होंने मदद की है। अलका मैम के पीछे, अलका मैम की पूरी फैमिली ने उनको हेल्प किया है ताकि वो किस तरह से इवॉल्व हो, एंड एट एमबी क्लास मास्टर क्रिएटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट गोज बिहाइंड, हु आर द पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड हर टू इवॉल्व एंड सो नाइसली ब्लेंड विद द ऑनलाइन वर्ल्ड। हियर इज हर सन, हर डॉटर इन लॉ एंड her amazing husband whom she is in love with for the last how many years? 32 years. Amazing. So we will come with Adhir. Adhir, aap almost aadhi duniya ghum chuke ho, aap India ke bahar bhi rahe ho, fir during the lockdown aap Indore mein stuck ho gaye, usi waqt aapne apni mamma ko ek aisi generation jahan shayad abhi bhi wo seekh rahi hai Facebook, WhatsApp, वैसी दुनिया से एक ऐसी दुनिया में ट्रांसफॉर्म होना जहाँ पे एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो वो चेंज में आपने कैसे मदद किया? सो पहले तो मम्मी को बोलना चाहूंगी, शी इज लाइक शी टेक्स चैलेंज अप फ्रंट एंड शी इज लाइक शी वांट्स टू डू इट, दैट्स व्हाई दैट हैपेंड, वी जस्ट सपोर्टेड हर and it started with she start looking outside the world that everyone is connecting using video calls and we are talking on the meetings and everything, so she get the idea that I can also do it. So initially it started with we started creating video for her school and she was very hesitated in the start, then she's teaching since last 30 years, so she knows how to teach, but in front of camera it was the first time and she has done amazingly. So kuch ek funny instance aap hame bataoge jahan aapko within direct mama kya kar rahe ho? So jaise ki bahar se noise bahut aati thi to she got distracted because we are not professional, we don't have a like a studio or a, we are shooting at home. Ye sabke sath problem aayegi ki bahar se awaaz aayegi और कोई आपको पिंग करेगा, कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, तो लाइव क्लासेस एक अलग है पर वीडियो बनाते टाइम तो ये इशू आएगा, पर लाइव क्लासेस में तो आपको सामने वाले स्टूडेंट को भी संभालना है, तो आपको वो जूम क्लासेस या व्हाटएवर आप यूज़ कर रहे हो आपको म्यूट करते वो सब करना है, तो इनिशियली उसमें बहुत दिक्कतें हुई,
मम्मी लोगों को बोल रही है कि ओके शांत हो जाओ, बट बच्चे सुन नहीं रहे, तो देन उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो फिर इन्होंने म्यूट करना सिखाया। मैंने कहा ओके मम्मा आप म्यूट कर सकते हो उनको। तो शी लर्न होस्ट कैसे बनते हैं, होस्ट किसको बनाना है, सो शी लर्न विद द प्रोसेस। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और चीज सीखी है, ऑनलाइन डिलीवरी। सो बट वी आर नॉट गिविंग अ क्रेडिट कार्ड, सो शी जस्ट बाय एवरीथिंग ऑन कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी। बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज वी सी अ न्यू इंडिया एट योर होम, staying at Indore, it's a new, means we can't imagine, even means me from Delhi, I can't imagine that, you know, there's an amazing bonding between the daughter-in-law and you know, saas types. So wo bonding kaise, aapne kaise, you know, help kiya? Because I believe jab aap is process ke through ja rahe the, kai sari baar aapke kaam mein bhi ek, you know, dikkat aayi hogi ki mamma ko kuch samjha rahe the, maybe some meeting miss ho gayi hogi. उस प्रोसेस के थ्रू क्या था वो प्रोसेस, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। सो एक्चुअली लाइक आई एम आल्सो वर्किंग एंड लाइक मॉम आल्सो वर्किंग एंड शी वाज लाइक टीचिंग सिंस लास्ट 30 ईयर्स। सो आई ऑलवेज एनकरेज हर टू लाइक ओके मामा प्लीज परस्यू योर वर्क, एंड व्हेन दिस अनसर्टेन थिंग्स केम अप, दिस कोविड थिंग एंड एवरीथिंग गॉट लॉक्ड डाउन अक्रॉस द लाइक वर्ल्ड, so at some certain point she wanted to leave things. Okay, now like it's already something, some point has reached down, now I wanted to leave things, I wanted to relax. So I just encourage her and suggest her, don't leave thing, you can do as, yeah, you can try, and in like you can do at your pace, but you should not leave because you are so much interested and passionate about that artwork. Bas ek choti si blockage hai, wo kahin hata dete hai. Yeah. Technology. Yeah. Technology. So that the time we introduced her, like then we also suggested you can do some things like online. Then this amazing things MB studies came up. So then we have like started, okay, you can use Zoom calls and like how you can do that. Like it's very simple the way we are using, and then we've introduced and it's like quite interactive. Like she always like art things and drawing. एक बार मैं बीच में बताना चाहूँगी। आप बिल्कुल ना, हमारी ये Zoom classes चल रही हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि mute कैसे करना है, और इसके ना office में meeting चल रही है। फिर अंकिता ही आएगी और बताएगी मम्मा ये करो ये। तो इन सब चीजों में सर कहाँ रह जाते, क्योंकि कई बार जब आप क्लास रहते हो, हो सकता है घर का काम मिस हो जाता है। नहीं नहीं, उनके तो है दिन भर फोन आते हैं, उस समय उनको वो फोन भी बंद करके रखना है, ध्यान भी देना है कि दूध वाला तो नहीं आ गया, सब्जी वाले का सब्जी लेना, मतलब सारा काम अब जो मेरा था वो उन्होंने संभाला। पूरी टीम वर्क होती है और सीखने को हमें भी खूब मिला है। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि आपको ऐसा लगता है कि जो इन इस जनरेशन के लोग हैं वो कुछ सीख नहीं सकते, बट वो सीख सकते हैं। इनिशियली उनको टाइम लगता है, बट जब वो हैंड्स ऑन कर लेते हैं तो वो बहुत इजीली होता है। स्टार्टिंग में हेजिटेट होता है, बट और भी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप हेजिटेट ना हो, उसको करते रहे तो इवेंचुअली आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। एंड शी इज सो एंथुसियास्टिक एंड शी इज क्विक लर्नर एंड शी इज लाइक ऑलवेज अडॉप्टिव। It's like really takes a nature that you should be adaptive and you should be very much passionate. So she's like, yeah, you just teach me, I'll do it. Okay, within a week. हाँ, बेटा हो जाएगा, हो जाएगा. Yeah, so within a week, she is so pro in all that thing. So like that is commendable and I am proud of it. I think मैं सबसे भी एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैम जब ऑनलाइन सीख रही थी या चीजों को लेके स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता था? नहीं, ये सब बच्चों के नाम जानने लगे थे, आरोही नहीं आई आज क्या क्लास में, सब लोग देखते थे। एक्चुअली वो नई चीज थी लेकिन अच्छी थी, और मुझे लगा था कि ये बच्चे जो पढ़ा रही है हाउ टू मैनेज, कि 20 बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसमें, तो वो मैं पूछता रहता था इन दोनों से, तो ये बताते थे सर चल टाइम है, चलो अच्छे चल रहे, जैसे मेरे से कम टाइम मिलता था लेकिन तो भी आई सपोर्टेड है। वो तो है। सो एक चीज जो इस वक्त आप, मैं आई स्टार्ट विद यू, एक चीज मैम की जो आपको लगता है बाकी टीचर्स को जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, कई सारे अगर हम इस वक्त इंडिया के हालात देखें, कई सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा नहीं पा रहे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली फॉर हस्बैंड्स, फॉर चिल्ड्रन,
कई सारे लोग ऐसा आपकी तरह और भी ऐसे कपल्स होंगे जो घर में स्टक आउट हो गए होंगे, जिनके पेरेंट्स टीचर्स हैं या बच्चे जो घर पे जाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा, एक्चुअली नई जनरेशन आई है और ये जो पीरियड ने लोगों को काफी कुछ सिखा दिया जो हम लोग मतलब 10 ईयर्स आगे चले गए, मतलब समझो जो आगे 10 साल बाद होना तो वो आज हो गया, कोविड ने ये तो सिखा दिया। और मुझे ऐसा लगता है फैमिली बॉन्डिंग बढ़ गई है और ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर अच्छे हायर स्कूल, उनके लिए तो बहुत ही बेटर है कि आप इकोनॉमिकल इसको पढ़ा सकते हैं, अच्छी चीज है आपसे। ये बहुत अच्छा मैसेज है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से। I would suggest like everyone should has open mind for learning new things and like to adopt, and they should never leave their like passion about things and like what they really wanted to do. So they should not hesitate to learn something new. I have just stuck something. बहुत बारी हमारे घर में ना problem होती है सास बहू, तो बहुओं को जो चीज आती है वो सासों को सिखानी चाहिए और सासों को जो चीज आती है वो बहुओं को सिखानी चाहिए, तो घर के प्रॉब्लम भी सॉल्व। व्हाट अबाउट यू दैट आज के जनरेशन के कई सारे लोग पेरेंट्स से कहीं ना कहीं दूर होते जाते हैं कि पेरेंट्स टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व नहीं है या व्हाट एवर, देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, बट आई थिंक द मोर यू हेल्प योर पेरेंट्स। तो इनिशियली हम लोग वीडियो कॉल करते थे जब हम बाहर थे, क्योंकि हम गए तो इफ यू आई वांटेड टू चेक देयर हेल्थ एंड देयर वेलबीइंग, सो हम लोग ने वीडियो कॉल करना शुरू किया इनिशियली, तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये लोग सीख सकते हैं, इतना स्लो नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल होता है इनिशियली, बट सबको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा इनिशियल स्ट्रगल होता है तो आप गिव अप ना करें, उसको कंटिन्यू करें, उसको परस्यू करें, दिस इज द फ्यूचर और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको करना पड़ेगा और इट्स ईजी, आपकी लाइफ ये आसान ही कर रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं बना रहा है, आप अगर ये मेंटल ब्लॉकेज हटा दें आपके दिमाग से कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते, तो बहुत सिंपल है ये सारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ काम इन्हीं टेक्नोलॉजी पे तो मुझे पता है ये सब इजी बनाने के लिए ही आपकी लाइफ को हो रही है सब। I see a ray of hope for the country, for our country, and I always say it is our dream to bring back the golden age of education. When you help your parents, when you help them to evolve, along with them, we also evolve. Exactly. Our relationship evolves. There are so many things, you are helping your country to grow, you are helping the kids to have a new future, you are helping the relationship to evolve. So with that note, I'll take a bye for now. But with a hope to see this family throughout the India and throughout the world. Take thank a break you. For now and yeah, sayonara. Thank you.